हेलो गाइस, वेलकम टू एमएस क्लासेस। आज हमारी टीम आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आ चुकी है जिसका हेडिंग है नवाए उर्दू क्लास 9 चैप्टर 3 हज अकबर। ये एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 का सॉल्यूशन है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो होमवर्क दिया गया था उसको इस चैप्टर में अच्छे तरीके से हल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खुलासा को दिया गया है, यानी सबक का जो खुलासा होता है उसको पहले लिखा गया है। मुंशी साबिर हुसैन की आमदनी कम थी, मगर इसके बावजूद वो अपने बच्चे के लिए एक आया रखने पर मजबूर थे। मगर उनकी बीवी शाकिरा को आया अब्बासी एक आंख न भाती थी। वो उसे बेईमान समझती थी और बात बेबात उससे लड़ती भी रहती थी। आखिरकार एक दिन मुंशी नसीर हुसैन की एक न चली और शाकिरा ने अब्बासी को निकाल कर ही दम लिया। अब्बासी से उनका बेटा नसीर बहुत मानूस था। उसके जाते ही उसने अन्ना अन्ना की जिद पकड़ ली। खाना, खेलना, कूदना सब छोड़ दिया। आया की जुदाई में उसने कुछ ही दिनों में बिस्तर पकड़ लिया। जान के लाले पड़ गए। दवा, दारू, हकीम कोई काम न आया। थक हार कर मुंशी साबिर हुसैन ने अब्बासी को बुला लाने की बात कही। बा दिले ना खास्ता, इसका माना है न चाहते हुए शाकिरा भी राजी हो गई। उधर बच्चे की जुदाई में अब्बासी भी तड़प रही थी। उस गम को भुलाने के लिए वो भी आज़िम हज हो गई। आज़िम का मतलब होता है इरादा, यानी हज का वो इरादा कर चुकी थी और वो हज के लिए निकल पड़ी थी। उधर जब मुंशी साबिर हुसैन पूछते हुए जब अब्बासी के घर पहुँचे तो मालूम हुआ वो हज के लिए जाने वाली है। वो भागम भाग स्टेशन पहुँचे, अब्बासी को नसीर का हाल सुनाया और उसके लिए हज पर दुआ करने के लिए कहा। नसीर की बीमारी का हाल सुनकर अब्बासी से न रहा गया और वो हज का ख्याल छोड़कर नसीर को देखने के लिए साबिर हुसैन के साथ उनके घर के लिए रवाना हुई। आया के आते ही नसीर के चेहरे पर रौनक आ गई और वो तेज़ी से सेहतयाब होने लगा और कुछ ही दिनों में बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। एक हफ्ता गुजर गया। सुबह का वक्त था, नसीर आंगन में खेल रहा था। साबिर हुसैन ने उसे गोद में उठा लिया और प्यार करके बोले, क्यों बेटा, मुझे तो तूने काबा शरीफ न जाने दिया, मेरे हज का सवाब कौन देगा। साबिर हुसैन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें इससे कहीं ज़्यादा सवाब हो गया, इस हज का नाम है हज अकबर। एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट है मशकी सवालों जवाब, जिसको इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर कहते हैं। सबसे पहला सवाल है, शाकिरा अब्बासी से क्यों नाराज़ थी। इसका जवाब है, शाकिरा का ख्याल था दाया अब्बासी उन्हें लूट रही है। बाज़ार से जो चीज़ लाती है कीमत ज़्यादा बताती है, या लाते हुए सामान में से कुछ चीज़ें अपने लिए छुपा लेती है। बाज़ार जाती है तो सौदा लेकर देर से घर पहुंचती है। सवाल नंबर दो है, नसीर की बीमारी का क्या सबब था। इसका जवाब है, नसीर अब्बासी से बहुत मानूस था, उसी के हाथ से खाता पीता था, खेलता था। अब्बासी को भी उस बच्चे से बहुत मोहब्बत थी, वो उसका बहुत ख्याल रखती थी। अब्बासी के घर से चले जाने पर नसीर को सदमा हुआ। वो हर वक्त अब्बासी को याद करता और अब्बासी के न होने से वो बीमार पड़ गया। सवाल नंबर 3 है, अब्बासी ने हज पर जाना क्यों मुलतवी कर दिया। मुलतवी मतलब छोड़ दिया, तर्क कर दिया। इसका जवाब है, साबिर ने स्टेशन पर पहुंचकर अब्बासी को बताया कि जब से वो वहाँ से आई है नसीर बीमार है, एक हफ्ते से खांसी और बुखार में मुब्तला है। दवाएं की मगर नसीर की तबीयत नहीं संभली। शायद तुम्हें देखकर
उसकी तबीयत संभल जाए। नसीर की यह हालत सुनकर अब्बासी बेकरार हो गई और उसने फैसला किया कि वो हज करने के बजाय नसीर के पास जाएगी। सवाल नंबर 4 है, अब्बासी की वापसी से नसीर पर क्या असर हुआ? इसका जवाब है, अब्बासी को देखकर नसीर का जर्द मुरझाया हुआ चेहरा रोशन हो गया, जैसे बुझते हुए चराग में तेल पड़ जाए। ऐसा मालूम हुआ कि वो कुछ बढ़ गया है। एक हफ्ता गुजर जाने के बाद बीमार नसीर तंदुरुस्त होकर आंगन में खेल रहा था। सवाल नंबर 5 है, साबिर ने अब्बासी से ये क्यों कहा, तुम्हें इससे कहीं ज़्यादा सवाब हो गया, इस हज का नाम हज अकबर है। इसका जवाब देखते हैं, हज अकबर से मुराद है ऐसा हज जिसमें ज़्यादा सवाब हो। जुमा के रोज़ जब हज होता है उसे हज अकबर कहते हैं। चूँकि अब्बासी ने हज पर ना जाकर बीमार नसीर की खिदमत की और वो पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त हो गया, इसलिए साबिर ने उस खिदमत को हज अकबर कहा। हज करना ज़ाती मजहबी फरीज़ा है और दूसरों की खिदमत करना, उनके सुख दुख का ख्याल करना बंदों का हक है। अल्लाह अपने बंदों की खिदमत से बहुत खुश होता है। एक्सरसाइज का अगला पार्ट है अमली काम। ज़ैल में दिए गए मुहावरों के जुमले बनाइए। मुहावरा है, उसका माना है, फिर जुमलों में इस्तेमाल करके बताया गया है। खुशी से फूले न समाना, ये एक मुहावरा है। इसका माना है बहुत खुश होना, शाहिद इम्तिहान में फर्स्ट आने से खुशी से फूले न समाया। अगला मुहावरा है आँख उठाकर देखना। इसका माना है किसी शय की जानिब मुतवज्जे होना। इसको जुमले में इस्तेमाल किया गया है, अहमद के पास काफ़ी माल है इसलिए वो किसी के माल को आंख उठाकर भी नहीं देखता है। एक्सरसाइज के अगले पार्ट में दिया गया है कि अफसाने का मरकज़ी ख्याल बताइए। इस अफसाने का मरकज़ी ख्याल ये है कि इंसानों की खिदमत करना, दूसरों का ख्याल रखना भी बड़ी इबादत है। खिदमत खल्क करना भी कार्य सवाब है, यानी सवाब का काम है। कार का मतलब होता है काम। अगला एक्सरसाइज है ज़ैल के अल्फाज मुतजाद लिखिए, यानी जो नीचे लफ्ज़ दिया गया है उसका आपको अपोजिट लफ्ज़ बनाना है, यानी उल्टा लफ्ज़ बनाना है। नफ़रत इसका मुतजाद लफ्ज़ है मोहब्बत, होश इसका मुतजाद लफ्ज़ है बेहोश, रोना इसका है हंसना, सस्ता इसका है महंगा, खुश इसका है नाखुश, शेरी इसका है तलख। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।